देखिए फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनके उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें, हर हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये जो जोन्स बने हैं रेड ऑरेंज ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं, ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। थैंक यू सर। सर मे आई रिक्वेस्ट नाउ राजस्थान पत्रिका, दे हैव ए क्वेश्चन ऑन आई थिंक फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। शादाब जी कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब, कहाँ है? नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी। इसके बावजूद एटीआई किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसके बारे इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना बिना एक सेकंड जाया करें, करिए करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट आशीष फ्रॉम एबीपी टू आस्क हिज क्वेश्चन। आशीष, एबीपी। कैन यू हियर मी रणदीप जी? यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू रणदीप जी। नमस्कार आशीष जी, सर, हियर दिस साइड इफ यू कैन सी मी, आई एम रेजिंग माय हैंड। यू डोंट नो व्हिच साइड यू आर ऑन माय स्क्रीन। यस ऑफ कोर्स, दैट आई जस्ट, इफ यू कैन फिगर मी आउट, आई हैव माय हैंड्स रेज्ड। ओके गॉट यू। How are you, sir? I'm well. सर, मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा एकदम शुरुआत में कि आपने भी, आपके यहाँ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको लेकर के आपने अपने जो कांग्रेस रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुझाव दिया है ताकि इससे हम बाहर निकल सके, क्योंकि सीमिंगली हम देख रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इसको लेकर के कुछ सुना नहीं है। तो इस डिस्ट्रेस से डील करने के लिए कांग्रेस रूल स्टेट्स को आपने क्या सजेशन दिया? बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। सर एक जस्ट जस्ट ऐड, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक इशू और रेस किया था आरोग्य सेतु को लेकर के, एक रैंडम ट्विटर यूजर ने इस पर कुछ सवाल उठाए थे जिसपे आरोग्य सेतु की तरफ से रिप्लाई भी, रिस्पॉन्स भी दिया गया था। उन्होंने उन ऑब्जेक्शन को कहा कि ये चीजें वैलिड नहीं है। आपको क्या लगता है सर इसके बाद की, क्या डू यू स्टिल स्टैंड बाई योर स्टैंड ऑन आरोग्य सेतु कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है? अगर इन दोनों सवाल का आप प्लीज काइंडली जवाब दें। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरा मेन उसमें मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए, उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को,
और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। अच्छा, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आपने, स्टेट चीफ मिनिस्टर देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है, मेरा रोल जो हमारे तीन चीफ मिनिस्टर्स हैं मनमोहन सिंह जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब राजस्थान पांडिचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और उनका कहना था कि जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है तो उनको बोरो करने की जरूरत बोरो करना पड़ रहा है उससे उनको काफी काफी मुश्किल हो रही है। ये बेसिक उनका उनकी पोजीशन थी। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे। पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकॉनमी शुरू नहीं हो सकती। हमने उनसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंफॉर्मेशन लेके डिस्कस करके इंडिविजुअल स्टेट की आप स्ट्रेटजी बनाइए, अगर इनपुट की जरूरत है तो हम पीरियोडिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक साथ बैठाकर डिस्कशन करके हम असिस्ट कर सकते हैं। बट हमने कोई ऊपर से फोर्सिबली कोई सजेशन नहीं दिया है। थैंक यू सर। कैन आई गो टू मौसमी फ्रॉम आज तक? मौसमी जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। वेयर आर यू मौसमी? राहुल जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आप कहाँ हैं? जी मैं सीपी में बैठी हूँ, कैनॉट प्लेस में हम लोग का एक दफ्तर बना है आज तक का, तो वहाँ पे बाहर पेड़ के नीचे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताइए। राहुल आज तक आपसे ये सवाल करना चाहता है, एक तरफ लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशन हुए हैं, इकोनॉमी को खोलने की बात की गई है और कई रियायतें सरकार ने बरती है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि अस्पतालों में डेड बॉडी क्लेम करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, घरों में मौत हो जा रही है क्वारंटीन में और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अनफोल्ड कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या केंद्र सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही है और क्या ये हजारों लाखों लोगों की जान की और स्वास्थ्य की कीमत पर थोड़ा लास्ट बिट फिर से रिपीट कीजिए मौसमी जी। मैं ये बोल रही थी राहुल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, जो रिलैक्सेशन किया गया इसको सोच समझ के करना चाहिए था, तमाम डॉक्टर अब जो है ड्यूटी पे नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली के आधे डॉक्टर हरियाणा में फंसे हैं, तो एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी त्रासदी अनफोल्ड कर रही है, डेड बॉडीज क्लेम नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं, तो जो मानसिक रूप से आप कह रहे थे सेंसिटाइज करने की जरूरत है जनता को, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर पर चल रही है और हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य और जान जो है वो दांव पर है? देखिए अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं कहा गई, हाँ ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी, तो कोई इसमें नॉर्मल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सोल्यूशन है, अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया
तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी, लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। यह एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है, 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आ रही है। तो ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है, लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से, तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और केओस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूँ, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1-2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें यह सब भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का